दो दिनी मैग्निफिसेंट एमपी के दूसरे दिन शुक्रवार को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने उद्योगपतियों के साथ मिलकर दीप प्रज्वलित किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति और एम श्रीनिवास भी मौजूद थे। मैग्निफिसेंट एमपी कार्यक्रम में देश विदेश के 900 से अधिक उद्योगपति शामिल हुए, लेकिन रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम को संबोधित किया और मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा आयोजित मैग्निफिसेंट एमपी की सराहना की। अंबानी ने कहा कि मध्य प्रदेश को लीड करने वाला राज्य है, मध्य प्रदेश महान है और ये प्रदेश मेरा भी है। इस दौरान RIL के चेयरमैन अंबानी ने कहा कि मुझे मध्य प्रदेश से विशेष लगाव है, मुझे प्रदेश के लोगों, जंगल और वन्य जीवों से बेहद प्यार है, इसलिए मध्य प्रदेश में बीते वर्षों में रिलायंस को सबसे बड़ा निवेशक माना जाता है। उन्होंने कहा कि रिलायंस ग्रुप द्वारा मध्य प्रदेश में नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुंबई में मुलाकात हुई थी। मैं देश में अग्रणी राज्यों में से एक मध्य प्रदेश को बदलने के लिए उनकी दृष्टि और दृढ़ संकल्प से बहुत प्रभावित था। मध्य प्रदेश भारत का दिल है। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश अर्थव्यवस्था को गति वाला राज्य है। पिछले कुछ वर्षों में 20,000 करोड़ से अधिक के निवेश के साथ राज्य में सबसे बड़े निवेशकर्ताओं के बीच दोस्तों के भरोसे कायम है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन किया है और राज्य सरकारों के बाद हम शीर्ष नियोक्ताओं के साथ हैं। उन्होंने जियो गैस पाइपलाइन का उल्लेख किया और बोले, मध्य प्रदेश कई देशों से ज़्यादा डेटा उपयोग कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम सबका मध्य प्रदेश मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश। I am not able to be physically present with you. When I met the Honorable Chief Minister in Mumbai recently, I was highly impressed with his vision and determination to transform Madhya Pradesh into one of the leading states in India. Madhya Pradesh is both the heart of India and also the heartthrob of India. Madhya Pradesh na keval Bharat ke madhya mein virajman hai, लेकिन भारत के मन में भी विराजमान है। मध्य प्रदेश महान है और सच कहूं तो मध्य प्रदेश मेरा भी है। आई हैव अ स्पेशल रीजन टू लव योर स्टेट बिकॉज आई एम अ लवर ऑफ फोर्ट्स, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड द नेशनल पार्क्स इन मध्य प्रदेश आर अमंगस्ट इट्स मोस्ट प्रेशियस एसेट्स। देयरफॉर मध्य प्रदेश हैज एन अपॉर्चुनिटी to present a new example before the rest of India and the world of harmonizing economy and ecology. Friends, Reliance is privileged to be among the largest investors in the state with investments of over 20,000 crores in the last few years. More importantly, we have created large-scale employment in the state and we are amongst the top employers after the state government. Reliance has developed coal bed methane in the state and built the first and only gas pipeline that connects it with the national gas grid. This opens the region for multiple future investment opportunities. I am happy that Jio has become the greatest catalyst for transforming Madhya Pradesh into a digital society with shared prosperity for all its 7.5 crore people. Today, Madhya Pradesh alone consumes more data than South Korea, UK, France, Germany, or Canada. I would like to thank all the Jio users in Madhya Pradesh for this record. Aap sabhi ka mere dil se dhanyawad. As Jio, we are committed to a digital Madhya Pradesh where each of its citizens can have the best quality digital connectivity and digital service. मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि जियो की सभी सेवाएं हिंदी में भी उपलब्ध होगी। जियो विल बूस्ट द एग्रीकल्चरल सेक्टर।
Jio will boost sustainable tourism. Jio will help improve delivery of healthcare, education and government services and improve the life of every citizen. All this will help create additional employment and earning opportunity. Reliance has over 600 stores and 100 petroleum retail outlets in Madhya Pradesh. We will more than double their number in the coming years. The new commerce initiative of Reliance Retail will benefit tens of thousands of Kirana stores and small merchants in the state. Madhya Pradesh is a natural choice for logistics hub because of its strategic location. Reliance will be setting up state-of-the-art national distribution centers in Madhya Pradesh with over 10 million square feet of space across 45 locations. Reliance will also explore investment opportunities in renewable energy to promote sustainable development and green economy. The Reliance Foundation has worked on various fronts: rural development, water security, digital classrooms, sustainable agricultural practices. Our team will continue to expand their reach in the state. Mananiya Mukhyamantri Shri Kamal Nath ji, I heartily congratulate you for your government's pro-business and pro-growth policies. I assure you that Reliance and Jio will work closely with you and your highly motivated team in accelerating the all-around development of Madhya Pradesh. Hum sab ka Madhya Pradesh, magnificent Madhya Pradesh. I am sorry that I could not be with you there physically. Dhanyavaad. Thank you. Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.